नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवी ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न कुंडली की सीरीज में आज आपको रोगों से संबंधित कुंडली का एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। यदि प्रश्नकर्ता रोग से संबंधित प्रश्न करे तो किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? सबसे पहले लगन, प्रश्न कुंडली का लगन डॉक्टर है। प्रश्न कुंडली का सातवां भाव रोग है। प्रश्न कुंडली का फोर्थ हाउस मेडिसिन है, दवाइयां हैं। प्रश्न कुंडली का टेंथ हाउस दशम भाव रोगी है। सबसे पहले बात करते हैं लगन की। लगन पर या लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या लगन में लग्नेश या शुभ ग्रह बैठे हों तो डॉक्टर योग्य है, काबिल है आप जिससे इलाज करवा रहे हो। लगन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे अशुभ ग्रह लगन में बैठे हों या दृष्टि हो, तो डॉक्टर इनकम्पिटेंट है, अयोग्य है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण रोग बढ़ सकता है। यदि प्रश्न कुंडली में चर लगन हो तो वर्तमान स्थिति में पोजीशन में कुछ बदलाव आएगा। चर लगन में यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो डॉक्टर को बदलना ही ठीक रहता है। यदि स्थिर लगन हो तो जिस बीमारी पर डाउट है या जिस बीमारी का इलाज चल रहा है वही बीमारी होती है। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है वह ठीक है, लेकिन पेशेंट को धैर्य रखना पड़ेगा। यदि द्वि स्वभाव राशि का लगन है तो लगन की डिग्री पर विचार करना जरूरी है। इसका झुकाव चर राशि की ओर है या स्थिर राशि की ओर है, इसी के अनुसार रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यदि लगन की डिग्री 0 डिग्री से 15 डिग्री तक हो तो स्थिर राशि, और डिग्री 16 डिग्री से 30 डिग्री तक हो तो चर राशि मानी जाएगी। लगन में द्वि स्वभाव राशि हो तो कंफर्म होता है कि किसी अन्य डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन लेनी जरूरी है, बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। यदि द्वि स्वभाव लगन में 7th हाउस में कोई वक्री ग्रह हो तो जिस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी बजाय दूसरी बीमारी होती है। यदि लगन में वक्री ग्रह बैठा हो तो डॉक्टर को चेंज कर दो। अब बात करते हैं 4th हाउस की। रोग प्रश्न कुंडली में 4th हाउस दवाइयों, मेडिसिन और ट्रीटमेंट का, इलाज का होता है। यदि 4th हाउस में 4th लॉर्ड बैठा हो या 4th हाउस पर 4th लॉर्ड की दृष्टि हो या 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हो या 4th हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जो दवाइयां पेशेंट को दी जा रही हैं वे अमृत के समान काम करेंगी, रोगी ठीक हो जाएगा। यदि 4th हाउस में पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो दवाइयां गलत दी जा रही हैं, रोग बढ़ सकता है। यदि 4th हाउस पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे बैठा हो चाहे दृष्टि हो, तो दवाइयां बदली जाएंगी। रोग प्रश्न कुंडली में 7th हाउस रोग भाव है। यदि 7th हाउस में वक्री ग्रह का प्रभाव है तो जो बीमारी का इलाज चल रहा है, जिस बीमारी का इलाज चल रहा है उसकी जगह दूसरी बीमारी होती है। 7th हाउस में वक्री ग्रह के कारण बीमारी ठीक होने के बाद दोबारा हो सकती है। यदि 7th हाउस में चर राशि हो तो प्लैनेट्स जल्दी मूव करते हैं, रिजल्ट्स जल्दी प्राप्त होते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो रोग और बिगड़ जाएगा। यदि 7th हाउस में स्थिर राशि हो तो रोग लंबा चलेगा,
जातक को गंभीर रोग होगा। यदि सेवंथ हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोग लंबा चलेगा किंतु ठीक हो जाएगा। सेवंथ हाउस में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोग लंबा चलेगा और जल्दी ठीक भी नहीं होगा। यदि सेवंथ हाउस में विष स्वभाव राशि हो तो बीमारी का पता नहीं चलता है और गंभीर रोग होता है। सेवंथ हाउस में द्वि स्वभाव राशि हो और यदि उसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इलाज गलत होगा। पूर्वजों की कोई बीमारी हो सकती है, जो रोग दिखाई देता है वह होता नहीं है। यदि सेवंथ हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो इलाज ठीक ठाक हो जाता है। प्रश्न कुंडली के सेवंथ हाउस से रोगी का विचार किया जाता है। यदि सेवंथ हाउस में पाव ग्रहों का प्रभाव होगा तो रोगों में वृद्धि होगी, बीमारी बढ़ जाएगी। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यदि सेवंथ हाउस में शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा तो रोग देरी से ठीक होगा। यदि सेवंथ हाउस में शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, ना ही सेवंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन से रोग के बारे में पता चलता है। सेवंथ हाउस पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो तो कोई अन्य बीमारी हो सकती है या रोग दोबारा हो सकता है। सेवंथ हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव बताता है कि बीमारी जटिल है तथा परेशानियों में बदल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि प्रश्न कुंडली के सेवंथ हाउस में बैठे ग्रह से पता चलता है कि रोग कौन सा हो सकता है। सेवंथ हाउस में सूर्य हो तो फीवर, सिर में, शरीर में दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, पेट, हड्डी से संबंधित रोग या खुजली इत्यादि हो सकता है। चंद्रमा सेवंथ हाउस में हो तो नींद ना आना, बेचैनी, ब्लड की कमी, मूर्छा, पीलिया या जल से संबंधित रोग होते हैं। मंगल सेवंथ हाउस में हो तो ऑपरेशन, सर्जरी, ब्लड प्रेशर, मिर्गी या ब्लड से संबंधित रोग होते हैं। बुध सेवंथ हाउस में नर्वस सिस्टम कमजोर हो, मस्तिष्क से संबंधित रोग हो सकते हैं, बुद्धिमता में कमी हो सकती है, वाणी दोष हो सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, स्किन डिजीज या खुजली हो सकती है। गुरु ऑपरेशन, सर्जरी, कफ, कान से संबंधित बीमारी या डायबिटीज हो सकती है। शुक्र सेवंथ हाउस में यदि शुक्र हो रोग विचार में तो आंखों के रोग, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम या गुप्त रोग हो सकते हैं। शनि सेवंथ हाउस में शनि अंग भंग, हार्निया, पैरों में चोट या पैरों के रोग इत्यादि हो सकते हैं। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस से प्रश्न कुंडली के दशम भाव से रोगी का विचार किया जाता है। दशम भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या दशम भाव में स्वराशि का ग्रह बैठा हो तो रोगी डॉक्टर को सहयोग करता है, दवाइयां टाइम पर नियमित टाइम से लेता रहता है, परहेज भी करता है। लग्नेश व दशमेश में मित्रता हो तो भी पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट करता है। टेंथ हाउस में यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करता है और दवाइयां खाने में परहेज लापरवाही करता है। टेंथ हाउस व टेंथ लॉर्ड पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो रोगी खुद ही अलर्ट रहता है और डॉक्टर का कहना मानता है। टेंथ हाउस पीड़ित हो तो बीमारी स्वयं रोगी की गलती के कारण बढ़ जाती है। प्रश्न कुंडली के लगन में राहु हो तो बीमारी
डायग्नोज नहीं होती है। इसी प्रकार यदि केतु छठे या आठवें भाव में बैठे हों तो वो भी डायग्नोज नहीं होता है। लगन लग्नेश, चंद्रमा या सिक्स लॉर्ड के साथ राहु केतु की युति हो तो भी जातक की बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती है और अधिक समय में ठीक होती है। और डॉक्टर एलोपैथिक की बजाय होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का इलाज करवाना पड़ता है। नमस्कार।